और सबसे बड़ा पुतला कहाँ बनता है? सबसे बड़ा पुतला लुधियाना तरेसी ग्राउंड पंजा, बहुत पुराना, 100 साल पुराना है। भैया कितने साल से आप पुतले बना रहे हो? 21 साल से। 21 साल। कितनी मेहनत लगती है इनको बनाने के लिए, कितना टाइम लगता है इसको? 3 महीने का समय लगता है, 22 घंटे काम, 2 घंटे आराम, तब जाके ये रावण बनता है। घंटे आप लोग काम करते हो, 2 घंटे सिर्फ है ना आराम करते हो, तो उसके बाद जब दो सेकंड नहीं लगते होंगे जब ये पुतला जल जाता है, तब दुख होता है, क्या कैसा लगता है? नहीं, खुशी होती है, क्योंकि जब पब्लिक खुश होती है तो हम खुश होते हैं, हमारी मेहनत वसूली आती है, पब्लिक खुश आती है, लुधियाना वासी खुश तो हम खुश। और इसकी तलवार सबसे खास है इस बार। अच्छा, तलवार में से आतिशबाजी निकलेंगी रिमोट द्वारा, वो पहली बार हो रही है। भांजी दिख रही है आपको, वो गवर्नमेंट टीचर है सरकारी, वो इस रावण के डेकोरेशन के मारे नखलऊ बलरामपुर से ड्यूटी छोड़ कर छुट्टी लेकर आई है इस रावण की दरेसी ग्राउंड के रावण के लिए खास तौर से। पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी, मैं ईशा। ये रौनका वेख के तुसी अंदाजा तो जरूर लगा लिया होएगा कि यह दशहरे के मेले दियाँ रौनका ने, तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, जिसके करके ये रौनका वेखन मिल रही ने। भारत के हर एक कोने के इस तरीके रौनका लगदिया ने, मेले लगते हैं, दशहरे का मेला यह लग्या हुआ लुधियाना के दरेसी ग्राउंड के, जिथे दिया तस्वीर थोड़े न साझिया कर रहे हैं कि बड़ी धूमधाम के नाल उत्साह के नाल जिहड़ा दशहरा वा वह भारत के कोने कोने के मनाया जाता है। ते नाल ही जेकर गल करिए दशहरा बुराई दे ते अच्छाई दी जित दा प्रतीक मन्या जांदा है। ते एक बहुत खूबसूरत तस्वीर जो असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हां वो है कि रावण इत्थे बन रहा है, ते रावण मेघना ते कुंभकरण ते पुतले ने जिहड़े ओह बनाए जांदे ने, ते इहदे विच खासियत यह है कि पिछले 21 सालां तों एक मुस्लिम परिवार है जिस दे वल्लों यह पुतले ने जिहड़े बनाए जांदे ने, जिथे कि यह बुराई ते अच्छाई दी जित दा प्रतीक है, उत्थे ही इत्थे भाईचारक सांझ है जिहड़ी कि वह भी वेखण नूं मिलदी है कि हिंदुआं दा त्यौहार है जिहड़ा कि दशहरा, उहदे ते मुस्लिम भाईचारे दे वल्लों पूरा आपदा योगदान है जिहड़ा दित्ता जांदा है। तो आगरे तो यह पूरा परिवार आंदा है, तो इन्हां वल्लों रावण मेघना ते कुंभकरण के पुतले हर साल तैयार किए जाते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया कितने साल से आप पुतले बना रहे हो? 21 साल से। 21 साल से। और सबसे बड़ा पुतला कहाँ बनता है? सबसे बड़ा पुतला लुधियाना दरेसी ग्राउंड पंजा जी। और इस जो इस बार पुतला बन रहा है उसका साइज क्या होगा? 125 फुट का पुतला। 125 फुट का पुतला है जो सिर्फ रावण का बने? रावण का, पर पंजाब शहर में जी, पूरे पंजाब में सिर्फ लुधियाना का जो दरेसी ग्राउंड है वहीं पे बनता है। और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले कितने कितने बड़े? उनके 60-60 फुट हाइट रहे। पिछली बार कितने थे? 120। रावण का पुतला 120, इनकी वही 60 थी। कारण क्या है कि लुधियाना के दरेसी ग्राउंड में ही सबसे बड़ा पुतला है जो वो बनाया जाता है? कारण ये है कि लुधियाना का ये सबसे बड़ा पुराना ग्राउंड है ऐतिहासिक, तो इसमें बड़ा ही बनता है जी। बहुत पुराना, 100 साल पुराना है जी। कितनी मेहनत लगती है इनको बनाने के लिए, कितना टाइम लगता है इसको? 3 महीने का समय लगता है, 1.5 महीना लगता है घर पर, 1.5 महीना लगता है यहाँ पर। और जब ये पुतले बनाए जाते हैं बड़ी मेहनत लगती है, दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं, कितने कितने घंटे हो जाते हैं आपको ऐसे मेहनत? घंटे नहीं, पूरी पूरी रात रात निकल जाती है, सुबह हो जाती है। आराम कितना टाइम करते हो? 2 घंटे। 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे आराम करते हो? 22 घंटे काम, 2 घंटे आराम, तब जाके ये रावण बनता है जी। जब इतने घंटे आप लोग काम करते हो, 2 घंटे सिर्फ है ना आराम करते हो, तो उसके बाद जब दो सेकंड नहीं लगते होंगे जब ये पुतला जल जाता है, तब दुख होता है, क्या कैसा लगता है? नहीं, खुशी होती है, क्योंकि जब पब्लिक खुश होती है तो हम खुश होते हैं, हमारी मेहनत वसूली आती है, पब्लिक खुश आती है, लुधियाना वासी खुश तो हम खुश जी। कभी ऐसा नहीं लगता कि हमने इतने महीने मेहनत की है, दिन रात एक करके हमने पुतले बनाए और हमारी मेहनत 1 सेकंड में लोग जला देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, अगर हमारी जनता ही खुश नहीं होगी तो तब दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी जनता खुश नहीं हुई। इस बार क्या खासियत होगी पुतले? इस बार खासियत यही है कि एक तो इसकी हाइट बढ़ाई है जी, और दूसरी इसकी जैकेट है ना वो भी राजा वाली डिजाइन दी जाएगी। अच्छा। और इसकी तलवार सबसे खास है इस बार। अच्छा, तलवार में से आतिशबाजी निकलेंगी रिमोट द्वारा। अच्छा, वो पहली बार हो रही है। वो पहली बार हो रही है। और अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पर आप लोग पुतले बना? लुधियाना में काफ़ी जगह है अपने, अगर नगर है, उपान नगर, दुराया, खन्ना जी। मतलब तकरीबन 12 मीलों का काम है।
सिर्फ पंजाब में बनाते हो, पंजाब के बाहर भी आपके? हरियाणा में भी पानीपत का काम अपना चल रहा है जी। और यूपी में भी है फरक्काबाद का जी। और हिमाचल में भी है जी। मैं चार पांच स्टेटों में, मतलब आधा भारत आप लोगों ने कवर कर लिया है पुतले बना। एक परिवार हमारा गुजरात बनाता है, आधा सा भारत ही मानो। हिंदू लोगों का ये त्यौहार है, जब मुस्लिम लोग भी अपना है ना वो भाईचारक शांत दिखाते हैं, तब कैसा लगता है कि जब आपको लगता है कि हाँ हमारी मेहनत से ये सब लोग खुश हों? देखो हमको खुशी होती है, हम मुस्लिम में हिंदू त्यौहार में शामिल होते हैं। वो जो मेरी भांजी दिख रही है आपको, वो गवर्नमेंट टीचर है जी। सरकारी जी। वो इस रावण के डेकोरेशन के मारे नखलऊ बलरामपुर से ड्यूटी छोड़ कर छुट्टी लेकर आई है इस रावण की दरेसी ग्राउंड के रावण के लिए खासतौर से। इस तरीके से आप लोग हिंदुओं के त्यौहार में शामिल हो होते हैं, क्योंकि यहाँ का ऐतिहासिक ग्राउंड है, ऐतिहासिक रावण बनना चाहिए। खुशी होती है, कितने दिन में अब ये रावण है जब पूरा रेडी हो जाएगा? इसको तो लगभग दो तीन दिन में हो जाएगा ये। तो फिर यहाँ पे रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले लगेंगे, सब लोग आके देखेंगे, उनके चेहरे की खुशी देख के आपके चेहरे पे खुशी? वो कुछ होते हम कुछ हो जाएंगे। एक पुतला तो इसमें कल जलेगा, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, तो उसको जलाने के लिए। लोगों को संदेश यही है, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और खूबसूरत रावण का आनंद लें। सो तुम वेख सकते हो कि दशहरे से जो रावण मेघनाथ के कुंभकर्ण के पुतले वेख के तुम खुश होने हो, उन्होंने बनाने के मेहनत कितनी लगती है तस्वीर वेख सकते हो तुम कि लोग ने जिहड़े है पूरा परिवार है ये आगरे तो आता है, तो हाँ लगातार 21 साल हो गए इन्हों इस जगह के उत्ते पुतले तैयार करद्या, तो सिर्फ लुधियाना दे विच ही नहीं वक् वक् जगह दे उत्ते पांच तो सात स्टेट्स ने जिन्हां दे विच रावण मेघनाथ ते कुंभकर्ण दे पुतले ने तैयार करते हैं, तो इन्हां दा कहना है कि भाईचारक सांझ है जिहड़ी कि उसका भी संदेश दिंदे ने, कहिंदे इस तरीके दे नाल असी हिंदुआं दे त्यौहार दे विच शामिल हो जाने हैं, तो कहिंदे 22-22 घंटे असी कम करते हैं, 2 घंटे आराम करते हैं, तां कि ते जाके इह जिहड़े पुतले ने वह तैयार होंदे ने, ते फिर कहिंदे बड़ी खुशी हुंदी है जदों लोग ने जिहड़े इन्हां नूं पुतलियां नूं वेख के खुश होंगे ने। तो दशहरे का त्यौहार है, फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, तो सारियां नूं इस चीज़ दी मुबारकां, तो उम्मीद करते हैं कि तुहाडे भी सारे त्यौहार खुशियां भरे रहे।